सो वो सब वेलकम बैक टू काम गेम है तो आज हम हमारी फिर से कहने आ रहा है रेंच सिमलेटर और भाई कल बहुत ही ज़्यादा तगड़ी मिस्टेक हो गई मेरे से मतलब भाई पूछो ही मत इतनी तगड़ी चीज़ हो गई है मेरे साथ कि कल मैं भाई वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए बैठा कि यार वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ और फिर एडिट करके अपलोड कर दूँगा और यार जो मेरा रिकॉर्डर मतलब मेरा सॉफ्टवेयर था वो मेरी ड्यूल डिस्प्ले पर सेटअप था मतलब सेट था तो यार मैंने वो चीज़ चेक नहीं की और मेरी पूरी वीडियो रिकॉर्ड हो गई मेरी सेकेंड डिस्प्ले पर भाई वो सिर्फ डेस्कटॉप स्क्रीन पर ही रह गया और बस मतलब जो भी रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर था सिर्फ वही अपने आप ही रिकॉर्ड होता रहा मतलब गेम रिकॉर्ड ही नहीं हुआ और भाई मैंने पूरा अपना बान हाउस बना दिया इतनी मेहनत लगी और इतना मज़ा आया ना इसको बनाने में लेकिन यार सब कुछ वेस्ट हो गया इन कोई दिक्कत नहीं देखो ये सब चीज़ें आती रहती हैं और आज मैं सोच रहा हूँ कि इसके लिए बनाता हूँ एक बान हाउस बान हाउस तो बन गया है इसके लिए बनाता हूँ फेंस क्योंकि अब जो मेरे पिक्स हैं उनको मुझे शिफ्ट करना है इधर तो ये फैंस अब मैं जल्दी से इधर को लगा देता हूँ और जो मतलब तो कि गाइज ये मैंने मतलब अपना ब्लू तैयार कर लिया है मतलब इतना सही से, से सेट तो नहीं बना लेकिन ठीक है जो भी है तो जल्दी से अब इसमें प्लैंक्स लगाता हूँ और जो अंदर मतलब फूड वूड का सिस्टम होता है वो भी बनाता हूँ जल्दी से अभी तो पिक्स को मैं इधर शिफ्ट नहीं करूँगा जब तक उनका मतलब ब्रीडिंग नहीं होगी जब उनकी ब्रीडिंग हो जाएगी तब मैं सारे पिक्स को इधर शिफ्ट कर दूँगा और जब मेरे बहुत सारे पिक्स हो जाएंगे तब मैं जो बड़े वाले उनको मार दूंगा और छोटे वाले अपने आप ब्रीड करके और बढ़ते रहेंगे तो भाई ये सब में चार चार लगने हैं तो जल्दी से लाता हूँ और लगाता हूँ इसमें और गेट में लगने हैं सेवन शायद से सेवन लगने हैं सेवन या ट्वेल्व लगने हैं तो ये मैं अपनी वुड कटर जो मशीन है इसको इधर ले आया क्योंकि इधर ही पेड़ है इधर ही काट कर मैं मतलब प्लैंक्स में कन्वर्ट करता रहता हूँ तो जल्दी से कट करता हूँ तो जल्दी करो भैया यार अपने पिक्स बहुत मोटे हो गए हैं लेकिन अभी उनका मैक्स साइज नहीं हुआ कल मैं पढ़ रहा था भाई वो तो बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं मुझे पता नहीं था ये बात का इसीलिए यार पिछली बार हमें मतलब इतना प्रॉफिट भी नहीं हो रहा था तो क्या कहीं इधर काफ़ी सारे प्लैंक्स हो चुके हैं मैं इनको उठाता उठा और जल्दी से मतलब लगाना स्टार्ट करता हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी यार काम ख़त्म करना है और अब हाँ, हमें एक घर भी बनाना है अपना मतलब ये चीज़ सही होगी भाई किसी भी चीज़ को बनाने में पैसा नहीं लगता तो ये बस एक और लगा दो और यार देखो मैं क्या करता हूँ जैसे अपने प्लैंक्स तैयार हो जाते हैं मैं मश... मतलब लॉक को डाल के वो मशीन को ऑफ कर देता तो हूँ वो पूरे प्लैंक में कन्वर्ट हो जाते हैं यार पता नहीं उसे फ्यूल बचता भी है या नहीं लेकिन शायद से बचता है इसलिए मैं बंद कर देता हूँ यार फ्यूल बहुत जल्दी ये पीती ए वाली मशीन लेकिन यार काम भी तो उतना ही होता है बस अपना फ्यूल का ही पैसा जाता है और जो भी थोड़ा बहुत कॉन्क्रीट या फिर मेटल लगता है वही बस लगता है तो कि गाइस बस अपनी एक फेंस एक दो फेंस और रह गई हैं इनको कंप्लीट करते हैं फिर जल्दी से हमें बनाना है अपना जो फूड वाला सिस्टम है वो और दो रह गई हैं एक गेट और एक फेंस भाई ये बहुत ही ज़्यादा मस्त हो गया अपडेट तो अगे गाइज़ ये बस अपने लास्ट फेंस पे लगाते हैं और अब हमें बनाना है सिर्फ गेट का तो जल्दी से इसके लिए मैं लॉक्स लाता हूँ और इस पर लगाता हूँ जल्दी से यार देखो मैं तो देखते देखते पूरा जंगल खाली होते जा रहा है और यार कल से मैं मतलब जब बान हाउस के लिए अपने ना मेटल लेने के लिए गया क्योंकि वो गेट पे थोड़े से मेटल लगते हैं एक एक मेटल लगता है तो भाई मेरे को कम से कम एट डियर्स मिले रस्ते में भाई मतलब इतनी दूर थोड़े ना हार्डवेयर स्टोर मतलब पास में ही है लेकिन मेरे को आठ डियर मिले भाई अगर वो पिछले वाले कभी मिल जाते ना मतलब जो पिछले वाला अपडेट था जिसमें हमें बहुत पैसे की किल्लत थी उसमें अगर स्टार्टिंग में मिल जाते तो भाई बहुत सी हो जाता और यार मैंने एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा मस्त कर ली अपना घर ना बना के अपने पहले पिगस को ले आया तो यार ये चीज़ सही होगी क्योंकि अब अपने पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं रहेगी ना अगर जैसे अपने पास अब कुछ पैसा नहीं बचाओ तो यार एक ऑप्शन तो होगा कि अपने पिक्स हैं उनसे ब्रेड होगा उनसे हमें पैसा मिल जाएगा तो ये बनाता हूँ जल्दी से और कन्वर्ट करके लगाते गेट पे भी और यार अंदर वो फूड वाले भी बनाने इसका मतलब काफ़ी लग जाएंगे अभी भी तो इसको करो ऑफ तेल ज़्यादा नहीं पीना भाई तो अभी फिल की है थोड़ी देर पहले ही और यार सारा खाली हो गया यार वैसे बांध हो कितना मस्त लग रहा है ना पहाड़ों के बीच में यार मस्त लग रहा है वैसे यार मतलब मैं कल इतना परेशान हो गया ना जब मेरी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई तो यार लेकिन कोई दिक्कत नहीं देखो ये सब चीज़ें आती रहती है और यार कई कई लोगों की तो पूरी पूरी वीडियो डिलीट हो जाती है यार मेरा तो सिर्फ एक वीडियो बनाई मैंने एडिट भी नहीं की लेकिन यार कोई दिक्कत नहीं देखो अगर आप कभी मतलब बान हाउस बनाएंगे तो फिर मस्त करके रिकॉर्ड करेंगे तो और यहाँ पर अब बनने आना है हमें फीडर मतलब ऑटोमेटिक तो नहीं लेकिन एक बार के लिए काम चलाऊ काम चलाओ नहीं बढ़िया सा बनाते हैं कोई ये सबसे बड़ा वाला बनाते हैं ये जो बच्चे होंगे इसमें भी मतलब कर लेंगे ना मैनेज ये बच्चों के लिए छोटा लगाना पड़ेगा या तुम कर लेना देखो मैनेज मेरे को अब नहीं पता ये है वीट वाला ठीक है इधर लगाऊ ये इधर सामने लगा लगाता गेट के सामने मतलब पूरी सिदाई में और यस राइट क्लिक कर देना चाहिए पूरी बुक खुल जाएगी मैं पूरा टैब को दबा के फिर सेलेक्ट करता हूँ तो जल्दी से इसमें वुड लगाता हूँ तो इधर मैं थोड़े से और कट करके ले आया हूँ और इसमें स्टार्ट करता हूँ जल्दी से लगाना और ये रखा इधर आठ लग गए हैं मतलब सिक्सटीन सिक्सटीन दोनों में लगना है मतलब दो स्टैक एक बार में दो दो स्टैक दोनों में लगना है तो जल्दी से इनको उठाता हूँ अरे यार फ्यूल ख़त्म हो गया जरीकेन लाता हूँ जल्दी से फ्यूल फिल करता हूँ देखो यार अभी कितना ज़्यादा था और अभी इतना मतलब बिल्कुल ख़त्म हो गया भाई बहुत जल्दी वो यार पिक्स कितने मोटे हो गए हैं भैया सही है ऐसे ही लगे रहो यार तो मोटे हो मोटे ताजे फिर हमें बेच के भी आना है इन पिक्स को और अरे यार जेरी कैन भी पूरी ख़त्म हो गई अब यार अपनी कार को मतलब कार में भी फ्यूल भरवाना है और जेरी कैन में भी फिल करवाना है तो ये भी कर लेंगे किसी दिन और उठा सकते हो गया बस इतनी लिमिट है मशीन को करो बंद और चलो यार ये मशीन बंद करने से वैसे कुछ नहीं होता बस आवाज़ ज़्यादा नहीं आती यार कोई दिक्कत नहीं यार आवाज़ नहीं आती यही सही है तो अब इस ब्रेक हो गया तो क्या इधर मैंने काफ़ी सारे ब्लॉक्स को प्लैंक्स में कन्वर्ट कर लिया है और ये उठाया और बस इसको भी लगाने चलते हैं जल्दी से और लगाते हैं और ये रखा इधर और बस तो क्या इधर मैं थोड़े से और ले आया हूँ मतलब एट और ले आया हूँ तो अब अपना कंप्लीट हो जाना चाहिए ये काम तो कह गाइस अपना जो बान हाउस का काम है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है बस अब इसमें हमें फूड डालना है तो जल्दी से इसमें फ़ूड डाल देता हूँ वीट यार वीट डालता हूँ जल्दी से पहले तो यार ये पिक्स बहुत जल्दी जल्दी जल्द वीट खाते हैं भाई बड़ी जल्दी जल्दी जल्द खाली हो रहा है तो यार कितना सारा हो गया यार काश ये मतलब मतलब जो एनिमेशन कर रखी है इतना ही अपने को मिल जाता तो मस्त हो जाता एकदम ये हो गया फोटीन इसको पूरा फिल कर दो छोड़ो यार पूरा के करना अपना भयंकर एक एक बैग ऑफ फीट पड़ा है इसको उन पिक्स को डाल देते हैं क्योंकि अभी तो मतलब टेम्प्रेरी हमने यहीं पर रख रखा है और उनका खाली हो गया फूड यार ये मर ना जाए पता चले इतनी मुश्किल से इनको बड़ा किया ब्रीड करने के लिए अगर ये मर गए अरे यार ये क्या हो रहा है और ये इधर तो इनके पास जीरो फूड है अभी तो इनको फूड डाल दूँ क्या डाल देता हूँ क्योंकि अभी तो हमें शिफ्ट करना नहीं है और ये दो तीन दिन तो इस खाने को चला ही लेंगे दो दिन मुश्किल से भाई बहुत खाना खाते हैं यार ये दो दिन में मतलब एक बैग ऑफ फ़ीड ख़त्म हो जाती है और ये जल्दी से पानी अब भरना स्टार्ट करता हूँ अंदर और ये रख यहाँ पर कितना सेवन फिल हो गया है और टोटल ट्वेंटी वन है इसमें तो पूरा फिल कर देता हूँ बस एक ये ये फोर्टीन हो जाएगा ओके okay. अब बस एक बकेट और डालनी और अपना हो जाएगा पूरा फिल तो मतलब इन पिगीज़ को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और यार काउस को भी लाना है मतलब अगर काफ़ी सारी काउ हो तो हमारा मिल्क से भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है और यार वो मूडी करके भी कोई शॉप पे कोई चीज़ है उससे भी शायद कुछ होता है उससे भी सही मतलब ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाता है तो यार देखो बहुत दुख हुआ कि मैं अपना बान हाउस नहीं दिखाया दिखा पाया और यार ये मुर्गी क्या कर रही है यहाँ पर तो चलो यार कितना मस्त व्यू आ रहा है चलो एंड कर देते हैं यहीं पर ही तो आज की हॉलीडियो में सिर्फ इतने अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए अगर आप मेरे चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए मैं आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय भाई ऐसे ही पूरे दिन रह करें ना रोशनी मज़ा आ जाएगा